हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये सामान्य विज्ञान में फिजिक्स का 13 नंबर सेट हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले फिजिक्स का 12 सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उस सभी 12 वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गमाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से भी आप लोग इसका बार बार पढ़ाई कर सकते हैं। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि प्रिज्म से अगर हम श्वेत किरण को गुजारते हैं तो आप सभी को पता होगा कि श्वेत किरण जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बंट जाती है। इसका क्या कारण है, यही आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यही कारण है कि जब उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और सातों का सातों रंग हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश कि किरणें विभिन्न वर्गों मतलब रंगों में बट जाती हैं क्यों। हम सभी जानते हैं कि जब प्रिज्म से गुजारते हैं सूर्य के प्रकाश को तो विभिन्न रंगों में बट जाती हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो 2 का जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। यानी कि सभी जितने श्वेत प्रकाश हैं 7 रंगों का मिश्रण है और सातों रंग में सभी जो रंग है सभी का विचलन जो है वो अलग अलग होता है। यही कारण है कि सभी दोस्तों अलग अलग कलर में हमें दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। तो याद रखेंगे कि सबसे कम विचलित होने का मतलब है जब आप क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे, मान लीजिए ये आपका रहा प्रिज्म और आप श्वेत प्रकाश को इधर से क्या करते हैं, भेजते हैं, तो यहाँ पर आप ये सीधा जाएगी फिर इस तरह से सातों रंग में क्या होगी दोस्तों, वो विभक्त हो जाएगी और सबसे कम विचलित यहाँ पर आपको बोला गया कि होकर गुजरती हैं तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है, कम मतलब जो सबसे ऊपर होगी, तो आपको याद रखना कि सबसे कम विचलित लाल होती है। कौन दोस्तों, लाल होती है। और सबसे अधिक जो है विचलित अगर पूछा जाए सबसे नीचे कौन होगा तो बैंगनी होगा, बैंगनी सबसे अधिक विचलित होगा और लाल सबसे कम विचलित होगा, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी कि रंग मिले होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 का यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट का जो है आंसर यहाँ पर कमेंट में आता है। ए ऑप्शन आपको 3 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 5 है और डी ऑप्शन 7 है। कौन आपका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखेंगे नीचे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो वर्ण यानी कि रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो अभी हम दोस्तों आपको बताए थे कि सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी, यानी कि सबसे अधिक उसमें विचलन आता है किसमें, तो बैंगनी में, यानी कि सबसे नीचे कौन होगा तो सबसे नीचे दोस्तों बैंगनी होगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण यानी कि रंग की किरणों का विचलन अलग अलग होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम प्रिज्म से क्या करते हैं गुजारते हैं तो अलग अलग रंग का जो विचलन है वो अलग अलग है, मतलब ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच से
विभिन्न चाल से चलता है। यहाँ पर बोला कि विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है कांच से विभिन्न चाल से चलता है, यानी कि स्पीड सबका अलग अलग होता है। लाल का स्पीड अलग होगा, बैंगनी का स्पीड अलग होगा, इसी कारण उसमें विचलन हो जाता है और वो बट जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक कौन सा होता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि मीटर आप याद रखेंगे तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक। नेक्स्ट यहां पर आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि प्रकाश के किस वर्ण यानी कि रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होगा, तो याद रखेंगे लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे कम होता है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि सबसे अधिक और सबसे कम तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सफ़ेद पर्दे पर लाल तथा हरे रंग के प्रकाश पुंज एक ही जगह पड़ते हैं, पर्दे पर निम्न रंगों में कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा। बोला गया कि किसी सफ़ेद पर्दे पर लाल तथा हरे रंग के प्रकाश पुंज एक ही जगह पड़ते हैं, पर्दे पर निम्न रंगों में से कौन रंग दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि पीला। जब यानी कि लाल और हरा का मिक्सचर करते हैं मिलता है तो वो कौन सा रंग बनाता है, पीला रंग बनाता है, पीला रंग आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो वह कैसा प्रतीत होगा। यानी कि आपके पास दोस्तों क्या है, लाल फूल है, आपके पास फूल कैसा है, लाल, और आप उसे हरे रंग के कांच यानी कि किसी शीशा के टुकड़े से देख रहे हैं तो आपको फूल कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 10 का जो डी ऑप्शन है सही होगा, काला दिखाई पड़ेगा। लाल चीज़ों को अगर आप हरे चश्मा से देखते हैं तो वो काला दिखाई पड़ेगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि प्रकाश की किरण पुंजे एक लाल और दूसरी नीला, एक श्वेत सफ़ेद मतलब श्वेत पर्दे पर एक ही स्थान पर आपतित होती है, पर्दे पर जो रंग दिखाई पड़ेगा वह है। यानी कि फिर से कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन आया, यानी कि एक जो है लाल और दूसरा नीला, एक श्वेत पर्दे पर एक ही स्थान पर आती है किरण पुंज, लाल वाला और नीला वाला दोनों एक ही साथ, तो कौन सा दिखाई पड़ेगा, तो आप याद रखेंगे मैजेंटा दिखाई पड़ेगा, मैजेंटा कलर। लाल और नीला के मेल से जो कलर बनता है उसको मैजेंटा कलर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इसको बार बार पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।